सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लसनगर शहर में इमारतों के स्लैब गिरने का सिलसिला शुरू है। जांच कैंप 5 के सेक्शन 36 स्थित शहंशाह पैलेस नामक इमारत का पहले मंजिले के बालकनी के स्लैब के प्लास्टर का कुछ हिस्सा गिरने से परिसर में हड़कंप मच गया। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन इमारत पुरानी है, जिस वजह से वहाँ लोगों में डर का माहौल है। पिछले कई दिनों से शहर में लगातार बारिश हो रही है। शहर की पुरानी इमारतों के रहवासी, जिनके पास कोई पर्याय न होने के चलते अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसी इमारतों के रहवासी राज्य में नई बनी हुई सरकार से भी ऐसी इमारतों के रीडेवलपमेंट के लिए जल्द कोई निर्णय ले, ऐसी आस लगाए हुए हैं। आज सवेरे जब मैं ऑफिस खोलने के लिए यहाँ पर आया, तो आने से मैंने देखा कि स्लैब में से जो प्लास्टर है वो नीचे गिरा हुआ, और उसका जो RCC का स्ट्रक्चर है स्टील है, स्टील पूरा बाहर निकल गया। और कुछ ही देर के बाद फ्रंट की बालकनी के भी बीच में क्रैक आने की वजह से पूरा उसका ढांचा नीचे गिरते जा रहा है, और यहाँ पे सवेरे से काफ़ी रिस्की माहौल लगा हुआ है। आने जाने वाले बच्चे और परिवार भी हैं, काफ़ी पीछे रहने वाले, सबके लिए काफ़ी रिस्क है। हमने जिनकी ये बिल्डिंग बनी हुई है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है, और यहाँ के जो नगर सेवक हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिस्क लग रही है। मेरा बाजू में ही ऑफिस है, उसकी वजह से जितना प्रशासन जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करे उतना बेहतर। मनपा अधिकारियों को तो नहीं दिए अभी तक, लेकिन यहाँ के नगर सेवक और जो बिल्डर के बिल्डिंग के ओनर हैं उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा हुआ जो कोई नहीं था, उसको तकलीफ नहीं हुआ, बच गए। दो बार गिराए। यहाँ पे जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं उनको भी हमने बोला कि अगर बिल्डिंग खाली कराई जाए और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए तो आप सहमत हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो हम यही चाहेंगे कि तुरंत इसके ऊपर कोई भी जो प्रशासन ठीक समझे कार्रवाई करे, और क्योंकि यहाँ पे रिस्क लग रहा है, मेरा भी ऑफिस बाजू में है तो रिस्क है। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।